नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण इतनी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज करने जा रहा हूं, और ये ना कि सिर्फ राजस्थान के अंदर हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, कुछ कारण पता नहीं चल रहे हैं। सिंपल सी सीधी सी एक बात बता रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो बंद हो रहे हैं, और ये प्रोसेस शायद 15 दिन 20 दिन या 1 महीने से चल रहा है। अभी कुछ दिनों 3 दिन हो चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आए हैं, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमारा सोजित गुलाबी गोट फार्म, एक प्रकाश भाई गुजर हैं तो उनका गुजर गोट फार्म बगड़ी नगर उनका, और एक है अपने किशनगढ़ अजमेर साइड के हैं किशनगढ़ बकरा हाउस करके। ये 3 चैनल जो हैं अभी डिलीट यूट्यूब चैनल से पूरे गायब ही हो चुके हैं। और फिल वक्त में मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर हमारा चैनल चला गया, हमारा चैनल चला गया, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, क्या कारण है। अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखा है FS एंटरटेनमेंट का, तो उसमें उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ चैनल्स के नाम डाला है, और वो चैनल भी जो हैं वो हट चुके हैं, जिसमें बकरा किंग चैनल है, JD गोट फार्म है, AB गोट फार्म है, और रिजवान लाइफ विथ एनिमल, ये चैनल जो हट चुके हैं। YouTube के अंदर पता नहीं ऐसा कोई बग आ चुका है या कोई ग्लिच है, क्या कारण है, और YouTube की पूरी कम्युनिटी ऐसी हो चुकी है अपने बकरों की लाइन की, और बकरों की लाइन में जितने भी चैनल हैं जिनके व्यापार घरों से जुड़े हैं, यानी कि इसमें कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो उनके खुद के वीडियो फार्म के बनाते हैं, अपना माल बेचते हैं, कुछ हैं जो हमारी तरह यूट्यूबर हैं। बहुत सारे यूट्यूबरों को अभी स्टैंड लेने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूँगा FS एंटरटेनमेंट, असीम शेख भाई को, और उसके बाद अपने हरीश यादव उन भाई को, और दूसरा एक PK राज भाई है जो राजस्थान से देखते हैं चैनल, और जितने भी बड़े चैनल हैं जो जिनको जो काम कर रहे हैं बकरी पालन को लेकर, और ख़ासकर जो चैनल मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरे की पूरे बकरियों पे डिपेंड्स हैं, गोट फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तब लोगों ने मुझे बोला कि ये अनपढ़ों वाला काम है। बड़े बड़े जब क्रिएटर होते हैं और वो क्रिएटर जिस लाइन के होते हैं उस फील्ड में बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं, और हम लोगों को वैसे भी अनपढ़ बोला जाता है, हम ट्वीट नहीं कर सकते। X अकाउंट पे जाइए, इस वीडियो का लिंक लगाइए, आखिर ये क्यों हो रहा है, और प्लीज़ मैं यूट्यूब टीम को सपोर्ट, यूट्यूब की जो सपोर्ट टीम है, टीम इंडिया, यूट्यूब टीम इंडिया, उसको X पे ये वीडियो जो है उसका URL लगाना चाहता हूँ, और हम सहायता उनसे मांगेंगे। आखिर क्या कारण है, क्यों इनके चैनल हटाए जा रहे हैं, इतने सारे चैनल तो एक साथ हट सकते हैं। मान लो कि कम्युनिटी ये गाइडलाइन को हार्म किया होगा, कुछ चैनल्स जा सकते हैं, लेकिन इतने सारे चैनल, बड़े बड़े चैनल जा रहे हैं, हमारा रोजी रोटी और धंधा इस चैनल से है, हम लोग काम करते हैं। मैं ये सोचने लग गया कि रोज़ उठ के सुबह शाम दोपहर को YT स्टूडियो खोल के बार बार अपने चैनल को देख रहा हूँ, कहीं मेरा तो नहीं चला गया। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा तो नहीं गया, दूसरों का गया। अरे भाई कल तुम्हारा भी चला जाएगा, क्या करोगे तुम। हमारा काम यही है, हम बकरी पालक बकरियों को दिखाते हैं, हमारे माल लोग खरीदते हैं, माल बेचते हैं, हम बकरियों के बारे में जानकारी देते हैं, डॉक्टर की सुविधाएँ देते हैं, डॉक्टर क्या सिखाते हैं वो बताते हैं, और अपना ये काम है। आज मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स अभी शायद 75,000 के करीब हो चुके हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें कमेंट करके आप इससे लिखिएगा इतना सा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी मेन ID से इस पर कमेंट कर दें, या अपनी अपना X अकाउंट है जो अपने लिए क्रिएटर के लिए एक ऐसा वीडियो बना दे जैसा वीडियो मैंने बनाया है, शायद उन लोगों के चैनल वापस आ जाए जिनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल मेहनत की है। भाई इस गर्मी के अंदर मैं वीडियोस बना रहा था, अभी पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, सर्दी देखी, गर्मी देखी, बरसात देखा, सारी चीज़ें देखी, लेकिन जा के वीडियोस बनाए। एक यूट्यूबर को खड़ा होने में, स्टैंड होने में बहुत समय लगता है, एक चैनल को खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। तो पहले तो जो जितने भी बड़े चैनल हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्वीट करिए यूट्यूब टीम को, तो उनको थोड़ा पता चले, उनकी नज़र जाए इस पे कि इतने सारे चैनल जो है क्यों हटाए जा रहे हैं। और जितने भी सपोर्टर्स हैं हमारे जो बकरी पालन का वीडियो देखते हैं, प्लीज़ बोलूँगा कि इस पे जाके कमेंट करें, नीचे मैं लिंक दूंगा, आप X पे जाइए और रीट्वीट करिए, मैं डालूँगा उसमें सिर्फ ये चैनल का लिंक डालूँगा, वॉच दिस वीडियो,
इस वीडियो को आप देखें, इसमें कितने कमेंट हैं, और कमेंट करके अपने अपने जिन जिन के चैनल उड़े हैं अभी, जिन जिन के चैनल अभी गए हैं, उन चैनलों के नाम आप कमेंट में करिए, एक एक कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये लोगों के पास पहुँचे और हेल्प हो सके किसी ना किसी की। ऐसा नहीं है कि कल को सारे चैनल ही ख़त्म हो जाए, सबको नए नए चैनल बनाने पड़ेंगे। कमेंट जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है, सारे चैनल ख़त्म हो जाएंगे इससे। कमेंट जरूर करिएगा।